जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा। आज हम लोग पार्ट दो वर्ण विचार के भाग दो वर्ण विच्छेद के बारे में बात करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हम आगे देखते हैं। पहला शब्द है नल, जो कि न और ल से मिलकर बना है। हम जानते हैं सभी व्यंजनों में आ का स्वर होता है और स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अतः नल का वर्ण विच्छेद है न जमा अ जमा ल जमा अ। दूसरा शब्द है राजा। यहाँ पर ध्यान दें, रा और जा दोनों के साथ आ का स्वर जुड़ा है, इसलिए इसका वर्ण विच्छेद है रा जमा आ जमा ज जमा आ। इसी प्रकार रिमझिम शब्द में र और झ के साथ ई स्वर जुड़ा है, अतः इसका वर्ण विच्छेद है र जमा ई जमा म जमा अ जमा झ जमा ई जमा म जमा अ। तरबूज का वर्ण विच्छेद है त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा उ जमा ज जमा अ। कृषक का वर्ण विच्छेद है क जमा रि जमा श जमा अ जमा क जमा अ। चौखट का वर्ण विच्छेद है च जमा ओ जमा ख जमा अ जमा ट जमा अ। आइए संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद करें। बस्ता, ध्यान रखें यहाँ स स्वर रहित है, अतः बस्ता का वर्ण विच्छेद है ब जमा अ जमा स जमा त जमा आ। धर्म शब्द का वर्ण विच्छेद है ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ। इसी प्रकार प्राय का वर्ण विच्छेद है अ जमा र जमा आ जमा य जमा अ। यहाँ प स्वर रहित है। क्षमा का वर्ण विच्छेद है क जमा श जमा अ जमा म जमा अ। यहाँ संयुक्त व्यंजन अक्षर के वर्ण विच्छेद पर ध्यान दें। क जमा श जमा आ मिलकर अक्ष बना है। अब वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। यह शब्द है कमल। कमल, इन वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनेगा वह चौखट चौखट। अगले विच्छेद में र स्वर रहित है, त पर रेफ है, अतः कुर्ता। ल ड उ लड्डू, यह शब्द है प तंग पतंग। इस वर्ण विच्छेद से
जो शब्द बनेगा वह है त्रिशूल, त्रिशूल। और इन वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनेगा वह है श्रमिक।